कमीशन ने एआईडी को भी लेटर लिखा था, उसका जवाब आया, और आमिर खान भी अब उस पर भी मुद्दे पे उन्होंने एक समारोह के दौरान बोला है, तो आप क्या कहेंगे? कम से कम उन्होंने वहां पे वो सब्जेक्ट के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है, तो हम लोग बेटर है कि उस सब्जेक्ट पे अभी बात ना करें। हम लोग अभी किसी और मुद्दे पे हैं, हम अपनी आवाज कहीं और पहुंचाना चाह रहे हैं, और हम लोग सब्जेक्ट को डाइवर्ट ना करें। करेक्ट है सर, लेकिन उस प्रश्न का जवाब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना जरूरी नहीं समझ रहे सर, तो उसको इसमें ना ही रखे तो ज्यादा बेटर होगा सर। सर फिर कभी उसके बारे में जवाब देंगे, उसके लिए अलग से उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। करेक्ट, अलग से बात कर सकते, वो कहीं और चली जाएगी, पता चला वो न्यूज, ये न्यूज छोटी हो जाएगी, वो न्यूज बड़ी हो जाएगी, सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। देखो मैंने तुमको जवाब दिया था भैया, मेरे घर पे आए थे, आपको पूरा मैंने जवाब दिया था। देखिए एक तो हमें पता नहीं कि आमिर ने क्या बोला, क्या कमेंट दिया, इसलिए मुझे पता नहीं, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू रिएक्ट टू दैट, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट इज स्टेटमेंट। और जहाँ तक उस एआईबी इशू का सवाल है, उस दिन आपको मैंने पूछा, आपने लेटर दिया उसके बाद कोई जवाब आया? नहीं, हमारे पास किसी कोई जवाब नहीं आया, बल्कि हमें हमारी जो 22 क्राफ्ट है, 22 क्राफ्ट सबका सपोर्ट आया, नो बडी वॉज अगेंस्ट, नो बडी, एवरी बडी सपोर्टेड इसके, नहीं आपने जो किया हम आपके साथ हैं, कि भाई ये कहीं ना कहीं कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा, अगर कोई कहीं भी कुछ भी करे, क्योंकि हमारे मेंबर का सवाल है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेंबर्स। अब जैसे ये गंगेश्वर श्रीवास्तव है, ये हमारा मेंबर है, इसने किया गलत, इसके खिलाफ हमने एक्शन लिया कि नहीं लिया, क्योंकि उसकी वजह से एक रॉन्ग मैसेज जा रहा था इंडस्ट्री में, एक गलत संदेश जा रहा था इंडस्ट्री। इस तरह अगर कोई और मेंबर भी कुछ ऐसा करता है जिसका रिफ्लेक्शन जो है पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, या इंडस्ट्री बदनाम होती है, कॉमेंट होते हैं कि अरे क्या हो रहा है आपकी इंडस्ट्री में, वैसे हमारी इंडस्ट्री बदनाम है, कहीं कुछ भी हो, रेप हो, वायलेंस हो, कुछ भी हो, आपकी फिल्मों की वजह से हो रहा है, हर बार हमें पकड़ के बिठा दिया जाता है कि भाई तुम बलि का बकरा हो, तो हम वैसे ही बदनाम हैं कि समाज में जो भी बुराइयां हैं वो सब फिल्म वालों की वजह से हो रही है।